श्रावस्ती में केशव प्रसाद मौर्य की चुनावी जनसभा, तो केशव प्रसाद मौर्य श्रावस्ती में एक चुनावी जनसभा करते हुए नजर आए। वही जनसभा को संबोधित करने भिनगा पहुंचे थे केशव प्रसाद मौर्य। डिप्टी सीएम का भाजपाइयों ने बेहद ही गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया है। वही चुनावी जनसभा को डिप्टी सीएम संबोधित करते हुए भी नजर आए केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षियों पर जमकर निशाना भी साधा है। पिछले 9 सालों में बदली भारत की तकदीर और तस्वीर जनता को संबोधित करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि 9 साल पहले देश में अविश्वास और भ्रष्टाचार का माहौल था। आज दुनिया संकट के दौर में भारत की ओर एक उम्मीद और आस की तरफ से देखती है। तो चुनावी जनसभा में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संबोधित करते हुए कहा कि आज दुनिया एक उम्मीद की निगाहों से भारत की तरफ देखती है। फूल के सामने वाली बटन के सामने अपना ठप्पा लगा दीजिए। दिल्ली से के खजाने से और चाहे लखनऊ के खजाने से नगर पालिका को सजाने के लिए पैसे की कमी नहीं पड़ने दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास इस संकल्प के साथ काम करती है। हमारी सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर से ट्वीट किया है जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वोटरों से बहकावे में नहीं आने के दौरान मायावती ने ट्वीट करते हुए प्रदेश की जनता से अपील की है और ये लिखा है कि विकास के लिए बीएसपी को ही वोट दे। तो बीएसपी को वोट देने की अपील मायावती ने एक ट्वीट के जरिए की है। पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर दी गई शाइस्ता परवीन की जानकारी। जी हाँ, ये बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचाते हैं। जहां पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके ये जानकारी दी गई है कि शाइस्ता की बड़ी अपडेट है। दिल्ली पुलिस को कंट्रोल रूम पर ये जानकारी दी गई है। दिल्ली पुलिस ने यूपी पुलिस को सूचना देने के साथ शुरू की हाईवे पर चेकिंग। कई राज्यों के पुलिस ने सड़कों से गुजर रही बसों में शाइस्ता की खोज भी लगातार शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पुलिस अब सूचना देने वाले युवक के बारे में जानकारी भी जुटा रही है क्योंकि शाइस्ता परवीन लगातार फरार है और इस मामले पर एक बड़ी अपडेट आज पुलिस मुख्यालय पर दी गई है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही लगातार शाइस्ता परवीन फरार है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मोहम्मद कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, शाइस्ता परवीन को लेकर पुलिस के पास एक बहुत ही बड़ी अपडेट दी गई है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जिस तरीके से शाइस्ता परवीन को लेकर ऐसा पहली बार हुआ है कि फोन कॉलर पे एक सूचना आती है कि शाइस्ता परवीन पूर्वांचल एक्सप्रेस से बस पे बैठ करके हरदोई की ओर निकल रही हैं। जैसे ही ये जानकारी दिल्ली के पुलिस कंट्रोल रूम पर पहुंचती है तो दिल्ली पुलिस जो यूपी पुलिस से संपर्क करती है, जिसके बाद हरियाणा से लेकर कई हाईवे पर जब बसों को रोक करके चेकिंग की जाती है। इस दौरान बताया जाता है कि दो नंबर जो है दिए गए थे बसों के, एक प्राइवेट बस का था और एक सरकारी बस का। दोनों बसों को ट्रेस किया गया, उसके बाद दोनों बसों को जब रोका गया है, दोनों बसों की चेकिंग की गई, फिलहाल उसमें शाइस्ता परवीन नहीं मिली। लेकिन जो एक बस थी उसमें कई महिलाएं बैठी हुई थी, जैसी सूचना भी दी गई थी कि एक जो बस है उसमें महिलाओं के बीच में शाइस्ता परवीन बैठी हुई है। लेकिन जब उस बस को रोका गया तो उसमें जो भी महिलाएं थी वो मजदूर किस्म की महिलाएं बताई गई और उसके बीच में शाइस्ता परवीन नहीं नजर आई। लेकिन मोहम्मद कलीम, यानी कि फिलहाल शाइस्ता परवीन अभी मिल नहीं पाई है, लेकिन जिस युवक ने फोन करके जानकारी दी थी, क्या उसके बारे में पुलिस कुछ पता लगा पाई है अभी तक? देखिए, जिस तरीके से जिस युवक के द्वारा जो है पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी गई थी, जब पुलिस पूरी तरीके से छानबीन करती रही लेकिन जब कोई भी शाइस्ता परवीन का सुराग नहीं मिला, तब उस युवक से दोबारा भी संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन उस युवक का मोबाइल फोन बंद आ रहा था। जिसको लेकर के नोएडा जो डीसीपी है उन्होंने साफ कहा है कि इस मामले को लेकर के फिलहाल वो जांच पड़ताल तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो युवक के द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम पर जो सूचना दी गई थी उसके मामले में दिल्ली पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं अब इस मामले में ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पहली कॉल शाइस्ता परवीन लेकर के आई है तो यूपी पुलिस के साथ साथ दिल्ली पुलिस भी पूरी तरीके से अलर्ट है और शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास भी कर रही है। एसटीएफ की टीम भी की बात की जाए तो वो भी हरियाणा से समेत दिल्ली पुलिस के संपर्क में लगातार बनी हुई है और शाइस्ता की जरा सा भी इनपुट मिलता है तो पूरी तरीके से एक्टिविटी भी सक्रिय हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद मोहम्मद कलीम हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।